हे गाइस वेलकम बैक। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के डे फोर के बाद कि क्या मेडल टैली है, एक बार नजर डाल लेते हैं। चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। सो गाइस, जापान ने टोटल 29 मेडल्स के साथ नंबर वन पोजीशन होल्ड करके रखी हुई है, जिसमें 11 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जापान जीत चुका है। चाइना ने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं, उसी के साथ सेकेंड नंबर पर पोजिशन होल्ड करके रखी हुई है कल से, जिसमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंक्लूड है। इंडिया अभी भी तीसरे नंबर पर है 14 टोटल मेडल्स के साथ, जिसमें 6 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इंक्लूड है। आज उम्मीद कर रहे थे कि शायद इंडिया नंबर दो पर आ सकता है, लेकिन चाइना ने डिस्कस थ्रो में आखिरी अटैम्प्ट में गोल्ड निकाल कर सेकेंड पोजिशन पर पकड़ बना के रखी है। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान नंबर 4 पोजीशन पर मौजूद है 4 टोटल मेडल्स के साथ, जिसमें एक एक दोनों के गोल्ड मेडल हैं और दोनों के सिल्वर 2-2 मेडल्स हैं और ब्रॉन्ज मेडल भी एक एक जीत रखे हैं। थाईलैंड 6 नंबर पर है 6 मेडल्स के साथ, श्रीलंका 7th पोजीशन पर है 4 मेडल के साथ, कतार 8th पोजीशन पर है 2 मेडल के साथ, साउथ कोरिया नंबर 9 पर है 3 मेडल्स के साथ और चाइनीज ताइपाई, फिलीपींस, सिंगापुर एक एक मेडल्स के साथ नंबर 10 पर मौजूद है और 16th पर है मलेशिया, मंगोलिया और वियतनाम एक एक मेडल्स के साथ। टोटल 96 मेडल्स एथलीट्स कंट्रीज जीत चुकी हैं, जिसमें 32 गोल्ड, 32 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल इंक्लूड है। दोस्तों, ये इवेंट ख़त्म होते होते डे 5 में भारत कौन सी पोजिशन पर होगा मेडल टैली में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।